मैं आज जो एक्सरसाइज लेकर आया हूँ वो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, काफ़ी लेडीज़ और जेंट्स की काफ़ी लोअर बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टमी वाला एरिया काफ़ी हैवी हो जाता है। उस हैवी पार्ट को कम करने के लिए मैं कुछ बहुत डिफरेंट टाइप की और बहुत ईजी एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। उन एक्सरसाइज को आप प्रॉपरली अगर करते हो तो 1 मंथ में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपने आप में देखने को मिलेगा। इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली ये एक्सरसाइज घर पे करके बहुत जल्दी अपना लोअर बेली फैट कम कर सकते हो। जो मेरी अधिकतर जो एक्सरसाइजेज है वो लेट कर करने वाली है, क्योंकि ये एक्सरसाइज उनके लिए बिगनर्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, कि काफ़ी लेडीज़ क्योंकि बहुत सी लेडीज़ होती है जो वर्कआउट तो स्टार्ट कर लेते हैं और फिर वो एकदम से हैवी वर्कआउट करते हैं, तो हैवी वर्कआउट करने से उनकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है। तो इन एक्सरसाइज को करके आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है जब आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे लेटने वाली, तो लेटने में आपको एकदम से जर्क नहीं लेना है, आपको बॉडी को आराम से धीरे से उठाना है और धीरे से ही नीचे लाना है, क्योंकि एकदम जर्क लोगे या तो आपके नेक में या लोअर बैक में आपको पेन होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, आपको आराम से बॉडी को ऊपर उठाना है और फिर नीचे लाना है, इस तरह से आपको धीरे धीरे करना है। तो इन बातों का आप पहले ध्यान रखना, मैं इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में जब आप एक्सरसाइज करो तो आपको किसी दर्द का सामना ना करना पड़े। तो आपको सबसे पहले आपको इस तरह से पोजिशन में आ जाना है, आपको ऐसे बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको दोनों पाँव को इस तरह से करते हुए दोनों हाथों को इस तरह से आपको टच करना है। टच करते हुए आपको इस तरह से कंटिन्यू धीरे धीरे आपको करना है। एक बात का इसमें ध्यान रखना है, आप जब ऐसे करोगे तो बॉडी आगे साइड खींचेगी, तो बॉडी आपको पीछे की साइड दबा के रखना है इस तरह से पूरा, और फिर इस तरह से कंटिन्यू आपको करना है आराम से। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसके आपको प्रॉपरली 3 सेट्स कंटिन्यू करने हैं इस तरीके से। फिर आपको इसी पोजिशन में आपको इस तरह से वापस टच करना है और फिर पाँव को इस तरह से कंटिन्यू आपको करना है 1 by 1। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके पाँव ज़्यादा टाइट तरीके से आपको पीछे की साइड नहीं लाने हैं, धीरे धीरे आपको लाने हैं इस तरह से करते हुए। और अगर आपको एडवांस लेवल पे इसको करना है तो आप इस तरह से कंटिन्यू टच नहीं करना है, इस तरह से करना है आपको कंटिन्यू आराम से, मतलब नीचे टच नहीं करना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लोअर बेली फैट कम करने के लिए। फिर आपको इसी पोजिशन में दोनों पाँव को रखते हुए इस तरह से कंटिन्यू लाना है, फिर इस तरह से करना है आराम से ऊपर तक लाना है, फिर नीचे रखते हुए फिर ऊपर लाना है। बाकी इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप नीचे ले जा रहे हो तो पाँव को 1 सेकंड होल्ड करना है, फिर ऊपर की साइड लाना है आराम से धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी जल्दी करोगे तो आपके पाँव में क्रैम्प आएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आराम से धीरे धीरे करना है। अगर आप काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज करते हो और आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है लेग्स की, तो आप फिर इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो, नीचे टच नहीं करना है आपको इस तरीके से। इसी पोजिशन में आपको ऐसे ही रहना है, हाथों को इस तरह से रखते हुए पाँव को इस तरह से आपको फ्लाई करना है लेग डेप। ये लोअर बेली फैट कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, काफ़ी लेडीज ऐसे करती है तब उनके हाथ ऐसे करके यहाँ पे नीचे नहीं लग पाते हैं वो, तो आप इस तरह से रख सकते हो हाथों को इस तरह से रखते हुए प्रॉपरली, फिर आपको इस तरह से कंटिन्यू करना है आराम से धीरे धीरे। एक टाइम के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको रेपिटेशंस कम लेने हैं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर ज़्यादा लोगे तो यहाँ पे क्रैम्प आ जाएंगे, क्रैम्प की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए आपको रेपिटेशन स्टार्ट में लाइट ही रखने हैं, जैसे नॉर्मल 15 के 3 सेट्स हो गए या 20 के 3 सेट्स, इस तरह से कंटिन्यू करना है आपको इसी पोजीशन में। फिर आपको नॉर्मल लेट जाना है इस तरह से प्रॉपरली, दोनों हाथों को इस तरह से आपको रखते हुए दोनों पाँव को आपको ऊपर की तरफ फ्लाई करना है, फ्लाई करते हुए बॉडी को होल्ड करना है, होल्ड करते हुए आपको प्रॉपरली दोनों हाथों को इस तरह टच करते हुए एक पाँव को आपको नीचे की साइड लाना है इस तरह से, और आपको फिर इस तरह से कंटिन्यू करना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे भी आप आराम से लोअर बेली फैट कम कर सकते हो। बाकी इसमें आपका एक बात का ध्यान रखना है, काफ़ी लेडीज जब पाँव पर उठाएंगे तो उनकी बॉडी इस तरह से उठेगी, तो आपको बॉडी को यहीं होल्ड करने की कोशिश करनी है, हाथों को ऐसे करके लॉक करके रखना है प्रॉपरली और पकड़ के फिर आपको इस तरह से कंटिन्यू करना है आराम से धीरे धीरे, इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है पाँव को बैंड करते हुए। तो बैट को आप ऐसे पकड़ कर नॉर्मल प्रॉपरली दोनों पाँव को इस तरह से कर लाना, फिर आपको आगे साइड ले जाना है, इस तरह से कंटिन्यू करना है आराम से। इस बात का ध्यान रखना आपको प्रॉपरली, जिनकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है उनको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस प्रॉपरली तरीके से करना है आपको कंटिन्यू आराम से धीरे धीरे। अगर आपको ज़्यादा पेन होता है आपकी टमी में तो आपको नॉर्मल पाँव को नीचे टच कर देना है इस तरह से प्रॉपरली, और जिनसे नहीं हो पा रही है या फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज की तो आप इस तरह से आराम से धीरे से कर सकते हो, इस तरह से नीचे टच किया फिर 2 सेकंड होल्ड किया फिर वापस आपको इस तरह से लाना है, फिर वापस से होल्ड करते हुए आपको इस तरह से करना है आराम से धीरे धीरे।
इसी तरह से आपको प्रॉपरली ऐसे ही आपको लेटना है इस तरह से। इस एक्सरसाइज में आपको एक बात का ध्यान रखना है, दोनों हाथ आपको हिप्स के नीचे रखना है। हिप्स के नीचे रखने से आपके हाथ प्रॉपर लॉक हो जाएंगे और काफ़ी आपको सहारा मिलेगा पाँव को उठाते समय। और दोनों पाँव को इस तरह से करते हुए हल्का सा अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए पाँव को इस तरह से करते हुए आपको ऊपर की सेट लाना है कंटिन्यू आराम से धीरे धीरे। अगर आपको प्रॉपरली पाँव को उठाने में प्रॉब्लम है तो फिर आप नीचे दोनों पाँव को इस तरह से रख सकते हो और रखते हुए फिर आपको एक ही लेग को इस तरह से करते हुए ऊपर लाना है लाइक दिस आराम से धीरे धीरे। और फिर इसको नीचे रखने के बाद फिर इसको आपको ऐसे ऑल्टरनेट आपको कंटिन्यू करना है। ये इजी वे में ये वाली एक्सरसाइज है। और थोड़ा एडवांस लेवल पे करना है तो आपको इस तरह से करते हुए ऊपर की साइड पाँव को लाना है करते हुए वेरी गुड इस तरह से कंटिन्यू आपको करना है। और फिर नीचे लाने के बाद आपको नीचे टच नहीं करना है, यहाँ से वापस ऊपर ले जाना है इस तरह से करते हुए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप ये सारी एक्सरसाइज एक साथ करोगे तो बहुत जल्दी आपका लोअर बेली फैट इन एक्सरसाइज से कम होगा। इस एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है। लेटने के बाद आपको प्रॉपरली बॉडी को इस तरह से करना है, दोनों हाथों को इस तरह से करते हुए आपको बैंड करते हुए सिर को आपको इस तरह से टच करना है इस तरह से प्रॉपरली ठीक है। हल्का सा गर्दन को आपको इस तरह से उठाना है और पाँव को उठाते हुए इस तरह से आपको यू टच करना है नीज पे आराम से धीरे धीरे। अगर ये किसी से नहीं कोई उठा नहीं पा रहा है कि अपर बॉडी की जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब सपोज 80 kg, 90 kg जिनका वेट है तो वो एकदम से बॉडी को नहीं उठा सकते, तो उनके लिए बेस्ट है आपको कुछ ही नहीं है आपको इस तरह से लाते हुए फिर आपको इस तरह से टच करना है आराम से धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी धीरे धीरे बढ़ेगी जब बढ़ेगी तो आपको दोनों हाथ ऐसे करते हुए फिर बॉडी को उठाते हुए ऐसे ऐसे करना है इतना इस तरह से करना है आपको, ज़्यादा बॉडी पे लोड नहीं डालना है। और फिर जब आपका प्रॉपर स्ट्रेंथ जब आपकी स्टेमिना और स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है तो फिर आप इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो आराम से धीरे धीरे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सभी एक्सरसाइज घर पे आप ट्राई करना। अब इस एक्सरसाइज में आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें आपको लेटने के बाद बॉडी को प्रॉपर उठाना है क्योंकि इसमें क्या है एकदम से जर्क नहीं देना है। अगर आप जर्क लोगे तो लोअर बैक में आपको पेन होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है इसमें ठीक है। दोनों पाँव को आपको बाहर की तरह से रखते हुए ठीक है कंटिन्यू उठाते हुए आपको इस तरह से करना है आराम से धीरे धीरे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बॉडी को जर्क ऐसे करके जर्क नहीं देना है, झटका नहीं देना है। अगर नहीं उठ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इतना भी आप ऐसे भी कर सकते हो इस तरह से, कोई वो नहीं है। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी इस तरह से आप उठाने स्टार्ट कर दोगे, इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। इस एक्सरसाइज में आपको प्रॉपरली बॉडी को इस तरह से प्रॉपरली होल्ड करना है, होल्ड करते हुए प्रॉपरली दोनों हाथ को हिप्स के नीचे रखते हुए दोनों पाँव को आपको 90 degrees तक लाना है और नीचे लाके आपको इस तरह से फ्लाई करना है लाइक दिस। इस तरह से आपको कंटिन्यू आराम से करना है और सिर को नीचे टच करके रखना है आपको इस तरह से प्रॉपरली आराम से। और अगर बाई चांस आपसे इस तरह से पाँव नहीं आप उठा पा रहे हो तो आपको नॉर्मल दोनों पाँव को ऐसे नीचे रखते हुए आप इस तरह से सिंगल लेग रेज भी कर सकते हो लाइक दिस इस तरह से आराम से। फिर इसको नीचे रख के फिर आपको इस तरह से पाँव को इस तरह से कंटिन्यू करना है आराम से धीरे धीरे। एक्सरसाइज में आपको प्रॉपरली इस तरह से आपको लेट जाना है। लेटने के बाद एक पाँव को आपको इस तरह से एक पाँव के ऊपर रखना है नीज के ऊपर रखते हुए प्रॉपरली दोनों हाथ को सिर पे आपको रखते हुए इस तरह से और बॉडी को इस तरह से आपको उठाना है आराम से धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे आपको प्रॉपरली करना है। और जिनके पेट में बहुत ज़्यादा फैट है और वो बॉडी को नहीं उठा पा रहे तो आप हल्का सा इतना भी कर सकते हो, जितना आप आ सकते हो ऊपर की साइड उतना आपको आना है और धीरे धीरे आपको ऐसे बॉडी को उठाते हुए आपको कंटिन्यू करना है। फिर कोशिश करनी है धीरे धीरे जब लास्ट के जो आपके लास्ट रेपिटेशन होंगे उनमें आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड आना है इस तरह से कंटिन्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि बेल आइकन दबाने से आपको ये होगा जब आप मेरा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको जल्दी से आपके स्क्रीन पे आपको देखने को नोटिफिकेशन मिलेगा।